अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को सीखेंगे। पंक्चुएशन फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के सिलेबस का एक हिस्सा है। आपको एक जुमला दे दिया जाता है जिसकी आपने पंक्चुएशन करनी होती है। उसके ऊपर कोई कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन नहीं होती जो आपको जुमला दिया जाता है। फिर आपने उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन अप्लाई करनी होती है जिसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो आज हम कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे और उन पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल करने के क्या रूल्स हैं, उनको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उनका क्या मतलब होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे बेसिक पंक्चुएशन मार्क है हमारा पीरियड, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। अब इसको हम एक जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि जब एक आइडिया या थॉट हम जब कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम उसके आखिर में एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसका एक यूज़ है, सिंपल सा, जिससे आप सब वाकिफ ही होंगे। इसका एक और यूज़ ये है कि ये एब्रीवेशन या शॉर्टेड जो फॉर्म्स होती हैं लफ्ज़ों की, उनके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो कम्प्लीट डॉक्टर लिखने के बजाय हम DR लिख के उसके आगे एक फुल स्टॉप या पीरियड यूज़ कर लेते हैं। एक इसका ये यूज़ हो गया। सेम वे जब हमने कुछ लफ्ज़ों को शॉर्ट करके लिखना हो, फॉर एग्जांपल कंप्लीट जनवरी लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ सिंपली JAN जैन और उसके आगे फुल स्टॉप ऐड कर दूंगा। यह है एक सेकंड यूज़ हमारे फुल स्टॉप या पीरियड का। तीसरा इसका यह है कि हम जब 3 पीरियड्स को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कुछ लफ्ज़ जो हैं उनको ओमिट किया गया है, मतलब कि उनको निकाला गया है। इसे आप ऐसे समझ लें कि यानी कि इससे आगे और बात अभी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कुड हेल्प मी और उसके आगे मैंने 3 फुल स्टॉप्स लगा दिए, अगर तुम मेरी मदद कर सकते और आगे मैंने फुल स्टॉप लगा दिए कि इससे आगे बात हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो सकती है या फिर मैं किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। However, आप देखेंगे कि लफ्ज़ों के आखिर में अगर 3 इस तरह फुल स्टॉप लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि अभी कुछ लफ्ज़ इसके अंदर मिसिंग है, इसमें और बात हो सकती है। ये है हमारे फुल स्टॉप के यूजेस। फिर आते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से आप सारे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। एक सवालिया कह लें, एक निशान है जिसको हम किसी भी जुमले के आखिर में तब लगाते हैं अगर वो जुमला सवाल हो, ठीक है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ आर डायरेक्ट क्वेश्चन। हर इंटरोगेटिव जुमले के आखिर में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जब भी आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, हमने इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, अब ये एक सवाल है तो इसलिए मैं इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन मार्क का यही एक सिंपल सा ऐड यूज़ है। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। एक एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जिसे उर्दू में इस्तजाबिया भी कहते हैं। ये मार्क होता है हमारा एक्सक्लेमेशन कहलाता है और ये इस्तेमाल होता है इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन जो होते हैं उनके आखिर में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहले जो सेंटेंस की टाइप्स का लेक्चर है उनको एक बार पढ़ लीजिए। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हों या कोई इंटरजेक्शन हो, तो हम उसके आगे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। इनका दरअसल यूज़ ये होता है कि ये एक बात में फीलिंग या इमोशन को ऐड कर देते हैं। अगर मैं किसी बात में काफ़ी दबाव डालना चाह रहा हूँ कि उसमें बाकायदा मेरे फीलिंग या इमोशन जो उनसे हैं वो मौजूद हैं, तो बोलने में तो अंदाज से पता चल जाता है, लेकिन अगर लिख रहा हूँगा मैं तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल डन, बहुत अच्छा, इसके आगे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड कर दिया। इसी तरह हुर्रा, जो कि एक इंटरजेक्शन है, एक खुशी का इजहार है, तो उसके आगे भी एक्सक्लेमेशन यूज़ कर ली गई है। एक्सक्लेमेशन का सिर्फ यही एक यूज़ है। अब हम आते हैं कॉलन की तरफ। कॉलन ये 2 डॉट्स होते हैं जिनको हम ऊपर नीचे इस तरह लगा लेते हैं। अब इनके तकरीबन 3 इस्तेमाल हैं, काफ़ी सिंपल से हैं। एक होता है जब हमने किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो आगे। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, तो अब आगे जो मैंने बातें बतानी हैं
यहाँ पर मैंने कोई लिस्ट देनी है किसी भी चीज़ की, कोई एग्जाम्पल्स की लिस्ट हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है, तो मैंने उनसे पहले एक कॉलन का इस्तेमाल कर लिया। सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मंदरजा ज़ैल है, तो उसके आगे मैंने एक्सक्लेमेटरी का मार्क डाल दिया, क्योंकि अब ये इससे आगे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि वो लिस्ट शुरू होने वाली है। आगे मैंने लिख दिया इंग्लिश या उर्दू, और आगे मैंने वैसे ही थ्री डॉट्स डाल दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे और सब्जेक्ट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि आगे जगह नहीं थी तो मैंने आगे तीन डॉट्स ऐड कर दिए। फिर इसका दूसरा ये यूज़ ये होता है कि ये किसी एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने पहले कुछ बात कर दी, फिर आप उसके आगे एक इसी तरह कॉलन ऐड कर दें, और फिर आगे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कंप्लीट, कि कोई भी बात है उसके आगे कॉलन ऐड कर दें, तो इसका मतलब है कि जो आगे मैंने काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है वो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन होगी। एक एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले भी हम कॉलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज का थर्ड यूज़ जो है, जो मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा, वो होता है किसी भी डायलॉग को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। डायलॉग होता है कोई भी कही हुई बात। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि टीचर, आपने टीचर लिखा, उसके आगे कॉलन ऐड कर दिए। अब इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो इनका एक डायलॉग है, यानी कि इनकी कही हुई बात है। आप कोई भी नाउन लिखें, आगे कॉलन डाल के कोई बात लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आगे कही हुई बात है वो इसका एक डायलॉग हो सकता है। इस लेक्चर के लिए सिर्फ हमने ये चार पंक्चुएशन मार्क्स का डिस्कशन किया है, बाकी और भी इनके अलावा कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।